आमिर बने देहाती, इमरान का रॉन्ची सॉन्ग, कटरीना भेजेंगी वीडियो मैसेज, सलमान ने बांटे कंप्यूटर्स, कटरीना नहीं पहनेंगी बिकिनी, करण है एक अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूसर। आमिर खान रिसेंटली धोबी बने नजर आए। दरअसल ये है आमिर का लुक जो वो एक DTH सर्विस एड के लिए स्पोर्ट कर रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि आमिर की होम प्रोडक्शन फिल्म धोबी घाट भी बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब इस एड के साथ साथ आमिर लगे हाथों अपनी फिल्म भी प्रमोट कर देंगे। भाई इसे कहते हैं सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक रॉन्ची सॉन्ग में नजर आएंगे, मगर इस सॉन्ग को शूट करने से पहले इमरान के अपने कुछ रिजर्वेशंस थे, क्योंकि इस गाने में काफी वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि इवेंचुअली प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस गाने से हटा दिए। आज होगी राजनीति इस फिल्म की सक्सेस पार्टी, जिसमें शामिल होंगे इस फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू, मगर फिल्म की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो स्पेन में जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा की शूटिंग में बिजी रहने वाली हैं। बट शी विल सेंड अ वीडियो मैसेज फ्रॉम स्पेन इंस्टेड। सलमान खान रिसेंटली मुंबई के एक NGO गए, जहां के बच्चों को सलमान ने 25 कंप्यूटर्स गिफ्ट के तौर पे दिए। इनफैक्ट जब सलमान को पता चला कि यहां के बच्चे अच्छी फैसिलिटीज ना होने की वजह से कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं, तब तुरंत सलमान ने अपने स्टाफ को पैसे दिए और खुद इनके लिए बेस्ट कंप्यूटर्स खरीदे। भले ही दोस्ताना में हमने प्रियंका चोपड़ा को बिकिनी पहने काफी हॉट पोजेस देते हुए देखा था, लेकिन इस फिल्म के सीक्वल में कटरीना कैफ हमें ऐसा करते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि कटरीना अपनी बॉडी नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग स्किल्स के दम पर शोहरत पाना चाहती हैं। करण जौहर की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज रिलीज के लिए तैयार है। 1, 2, 3, go! मगर इस फिल्म के एक्टर्स यानी इमरान खान और सोनम कपूर हमें शायद फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स में नजर ना आए, क्योंकि करण ने इन्हें अपनी अपनी फिल्म की शूटिंग करने की परमिशन दे दी है। जी हाँ, इमरान कुणाल कोहली की फिल्म ड्रेक के बाद की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाएंगे और सोनम जाएंगी एडिनबर्ग, ताकि वो पंकज कपूर की फिल्म मौसम की शूटिंग पूरी कर सके। अक्लेम लेजेंडरी बंगाली राइटर, आर्टिस्ट एंड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर की 150th बर्थ एनिवर्सरी तो हो चुकी है, लेकिन उनकी सेलिब्रेशन के लिए ऑर्गेनाइज की एक क्लासिकल इंडियन डांस परफॉर्मेंस, जिसमें बंगाली स्टार ऋतुपर्ण सेन गुप्ता ने दी एक शानदार परफॉर्मेंस। इस क्लासिकल इंडियन डांस से ऋतुपर्ण सेन गुप्ता ने पे की एक ट्रिब्यूट टू द पोएट हु बिस्टोर्ड ऑन अस ग्रेट वर्ड्स ऑफ विजडम एंड हंड्रेड्स ऑफ ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर दैट हैव बिकम रेनाउंड वर्ल्ड ओवर। चुका है एक नया ट्रेंड प्री सक्सेस पार्टीज का, यानी फिल्म की रिलीज से पहले ही इन फिल्मों के सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा ही एक सेलिब्रेशन हुआ फॉर द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म क्रांतिवीर द रेवोल्यूशन, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इसी फिल्म क्रांतिवीर द रेवोल्यूशन का एक छोटा सा प्रीव्यू जो इस फ्राइडे हो रही है रिलीज। छोटे तेरा बर्थडे आया। इस फिल्म की सारी कास्ट एंड क्रू प्रेजेंट थे एट द प्री सक्सेस पार्टी। द डार्क साइड। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे। प्रियंका के पापा ने उन्हें पहचानने से किया मना, कटरीना दोबारा हुई इंजर, ब्रेक के बाद के डायरेक्टर हुए इंजर, शाहिद कपूर को है किसकी फिक्र, रजत कपूर हुए भेजा फ्राई 2 से अलग, क्रू को किसने किया कौन, मिष्टी मुखर्जी का स्पा हुआ लॉन्च, आशुतोष राणा बनेंगे करप्ट DGP राठौर, इमरान हाशमी को प्राची ने बचाया, श्रेयस ने क्यों थ्रो किए टैंट्रम्स, आमिर क्यों नहीं खरीदते कोई क्रिकेट टीम, किसने दिया शाहरुख को धोखा।
विशाल भारद्वाज की फिल्म सात खून माफ में प्रियंका नजर आएंगी सात डिफरेंट लुक्स में, जिसमें से एक लुक में वो बनी है 65 साल की ओल्ड लेडी। प्रियंका के इस लुक को मेकअप आर्टिस्ट ने इतनी अच्छी तरह किया कि प्रियंका के पापा भी उन्हें पहचानने से इनकार कर बैठे। कटरीना कैफ का नेक्स्ट स्ट्रेन हुआ स्पेन में। दरअसल कटरीना जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग स्पेन में कर रही हैं और वहां वो अपना फ्री टाइम जिम में बिताती हैं। एक जिम सेशन के वक्त इनका नेक्स्ट स्ट्रेन हो गया। अब हालत ऐसी है कि कटरीना को बात करने में भी मुश्किल हो रही है, मगर फिर ब्रेव कटरीना ने जोया की फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू की। इमरान खान और दीपिका पादुकोण स्टार और ब्रेक के बाद के डायरेक्टर दानिश असलम ने शूटिंग के वक्त अपनी बैक इंजर कर ली, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग दो दिनों के लिए कैंसिल करवानी पड़ी। शाहिद कपूर जो अपनी फिल्म मौसम की शूटिंग के लिए स्कॉटलैंड गए हुए हैं, इन्होंने अपने पेट डॉग काइजर की देखभाल का जिम्मा अपनी मॉम नीलिमा आजीम पर दे रखा है और हर रोज वो अपनी मॉम को दो बार कॉल करते हैं अपने पेट काइजर का हाल चाल जानने के लिए। भेजा फ्राई के सीक्वल में हमें रजत कपूर नजर नहीं आएंगे, एज ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ भेजा फ्राई 2। और सुनने में आ रहा है कि उनके और उनके को स्टार विनय पाठक के बीच के डिफरेंसेस रजत के इस डिसीजन का रीजन है। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ट्रूप की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी। इतना ही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने सारे रिक्वायर्ड परमिशंस भी ले रखे थे, मगर इसके बावजूद फिल्म की यूनिट को निराश वापस लौटना पड़ा क्योंकि फिल्म को शूट करने नहीं दिया गया, जिस वजह से प्रोड्यूसर्स ने उनको हुए डैमेजेस का केस ऑफिशियली फाइल करवा दिया है। एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी ने बैंगलोर में अपना स्पा करिश्मा लॉन्च किया, जिसे अटेंड किया बॉलीवुड के स्टार सोहेल खान, आफताब शिवदासानी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, रणदीप हुड्डा, सोनू सूद और रोहित रॉय ने। एक्टर आशुतोष राणा अब हमें टीवी सीरियल में नजर आएंगे, जो रुचिका गिरहोत्रा केस फाइल पर बेस्ड होगी और इस सीरियल में आशुतोष राणा बनेंगे करप्ट डीजीपी राठौर। इमरान हाशमी ने फॉर अ चेंज अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अपनी को स्टार प्राची देसाई को किस नहीं किया, थैंक्स टू प्राची ऑफ कोर्स, जो किसिंग सीन्स के सख्त खिलाफ हैं। एनीवेज इमरान इस बात से काफी खुश हैं क्योंकि अब वो खुद किसिंग सीन्स करना अवॉइड करते हैं, बिकॉज ही इज अ फादर नाउ एंड डजंट वांट टू एंबैरस हिज सन। श्रेयस तलपड़े जो अपनी फिल्म विल यू मैरी मी की शूटिंग दुबई में कर रहे थे, उन्हें जब कहा गया कि उन्हें दुबई से डायरेक्ट हैदराबाद अपनी अगली फिल्म की शूटिंग पर जाना है, तो उन्होंने काफी टैंट्रम्स थ्रो किए। दरअसल श्रेयस अपनी वाइफ दीप्ति को काफी मिस कर रहे थे और वो उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे। शाहरुख खान ने क्रिकेट टीम खरीदी, सलमान खान खरीदने की सोच रहे थे, मगर आमिर कभी कोई टीम नहीं खरीदेंगे और अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बात साफ कही, ओनिंग अ क्रिकेट टीम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल टेक मी अवे फ्रॉम सिनेमा व्हिच इज माय पैशन। अफवाहों की माने तो शाहरुख खान के दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया है और ये सीधे जा रहे हैं शाहरुख के राइवल सलमान खान की कैंप में। जी हाँ, रितेश देशमुख जो कभी शाहरुख के गुण गाया करते थे, अब सलमान से दोस्ती कर रहे हैं। चंकी पांडे और संजय कपूर ने भी सलमान से दोस्ती का हाथ मिला लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।